इस अध्याय में अभी तक हमने भारत के की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की, उससे मुखातिर होने की कोशिश की, और इस प्रक्रिया में हमने कुछ एक दो बातें अच्छी तरह समझ ली। पहला कि विदेश नीति की जो आधार, उसे नेहरू ने दिया, और इसके साथ ही साथ विदेश नीति का आधार गुटनिरपेक्षता। हम ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विकास गाथा ही भारत की विदेश नीति की विकास की कहानी है। किसी भी प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता की नीति का भारत में विरोध नहीं किया, और बल्कि उसे आगे ही बढ़ाया, उसे समर्थन ही दिया। ये कुल मिलाकर हमारी इस विदेश नीति के अध्ययन का निचोड़ है। अब यदि गुटनिरपेक्षता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी और है, जिस पर सभी प्रधानमंत्रियों ने जिसका समर्थन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करें। अर्थात विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां, या विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व और योगदान, गुटनिरपेक्षता के आधार पर क्या क्या उपलब्धियां हमें हासिल हुई, इसको हम थोड़ा बिंदुवार देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी क्या उपलब्धि रही, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व राजनीति में? पहला, विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ को भरपूर सहयोग। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ऐसे मसले आए, विवादित मसले, दो महाशक्तियों के बीच के झगड़े, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नज़रिए का साथ दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी ताकत के लिए काफ़ी कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समर्थन पर निर्भर था। ये वो काल था। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध को न केवल रोकने में बल्कि उसे समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि ये दोनों ही महाशक्तियाँ देख चुकी थी कि लगभग 100 से ज़्यादा देश उनके साथ नहीं हैं, और इस प्रकार विश्व का एक बहुत बड़ा तबका इन दोनों महाशक्तियों के पिछलग्गू के रूप में काम नहीं करना चाहता और एक अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहता है। तो इस प्रकार शीत युद्ध को समाप्त करने में इनका योगदान, गुटनिरपेक्षता का योगदान। तीसरा महत्व, तृतीय शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्ष जो उभरा, उसने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा टाल दिया। पहली विश्व शक्ति तो अमेरिका, दूसरी विश्व शक्ति सोवियत खेमा, तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर उसने जो बुलंदियां पाई, जो अपनी आवाज़ उठाई, उसका परिणाम क्या हुआ कि ये एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो गुट था, इसका दबाव इतना ज़्यादा था कि हमेशा इन दो महाशक्तियों पर तृतीय विश्व युद्ध को टालने के लिए दबाव बनाने में हमेशा सफल रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवाज़ को ये दोनों महाशक्तियां अनसुना नहीं कर सकती थी, तो विश्व युद्ध के खतरे को टालने में सफल होना ये काफ़ी हद तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि माना जा सकता। चौथा, निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। पांचवा,
निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निःशस्त्रीकरण जैसा मैंने पूर्व में बताया, परमाणु हथियारों के उत्पादन को बंद करना और जो पहले से जिनका उत्पादन हो चुका है उन्हें नष्ट करना। क्योंकि पहले से जो उत्पादन हो चुके हैं ऐसे परमाणु हथियारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी कुछ भूमिका, अहम भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देशों ने निभाई है। पांचवा, अविकसित राष्ट्रों के बीच, नवोदित निर्धन राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास, इसमें काफ़ी कुछ योगदान गुटनिरपेक्ष देशों का रहा है। क्योंकि ये सभी देश लगभग एक श्रेणी के थे, तो एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर इन देशों ने अपने विकास को सुनिश्चित किया और इसका श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। अगली सफलता, अगली उपलब्धि, नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से बचाए रखना और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने की आज़ादी देना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि जो नए राष्ट्र थे, दिग्भ्रमित थे, दो शक्तियों के बीच में पिसने की संभावना से गुजर रहे थे, उन राष्ट्रों को इनके चंगुल से बचाए रखने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही और साथ ही साथ ऐसा करते हुए इन नवोदित राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से विकास करने का जो रास्ता मिला, उस रास्ते को दिखाने का काफ़ी कुछ श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत सफल आंदोलन रहा और इसका सूत्रधार भारत। भारत ही विश्व का पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, इसके सिद्धांतों की व्याख्या की थी, इसका प्रचार प्रसार किया था और ये कहने की और ये सफलतापूर्वक साबित किया कि गुटनिरपेक्षता कायरता नहीं है, गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता भय नहीं है, बल्कि गुटनिरपेक्ष होने के लिए अंदरूनी साहस की ज़रूरत है और जो देश गुटनिरपेक्ष हैं वे इतना साहस रखते हैं कि दो महाशक्तियों के दबाव को वो न केवल झेल सकें बल्कि उनके खिलाफ स्वतंत्र आवाज़ उठा सकें। गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को लागू करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है और इस प्रकार भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता के रूप में देखा जा सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया और इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया। विश्व शांति की यदि बात करें, शीत युद्ध के काल में और उसके बाद के काल में भी, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि विश्व के सभी राष्ट्र इस बात से सहमत होंगे कि इस विश्व शांति का काफ़ी कुछ श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। आज भले ही द्विध्रुवीय व्यवस्था या दो गुटी व्यवस्था समाप्त हो गई हो, आज भले ही विश्व राजनीति के मंच पर दो खेमे न दिखाई दे रहा हूँ, फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता बनी है, जस की तस है। आतंकवाद का विरोध, परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन, एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकी दादागिरी का विरोध, नव उपनिवेशवाद के तहत शोषण का विरोध, गुटनिरपेक्ष देशों में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की
महत्ता गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत बनी हुई है। ये बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी अपनी प्राथमिकताओं को कुछ बदला है और ज़्यादा प्रासंगिक बनाया है, और ऐसा करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ जितना पहले था। जिन प्राथमिकताओं का मैंने जिक्र किया यहाँ पर, वे प्राथमिकताएं वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का एक पिटारा है, और इनको धीरे धीरे निःशस्त्रीकरण को, एक ध्रुव अमेरिकी वर्चस्व को, उसके अलावा आतंकवाद को, इन सब को समाप्त करने में, निःशस्त्रीकरण को लागू करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देश अहम भूमिका निभा रहे हैं। कमजोर राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारण करने का जो मौका मिला है, वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नए स्वतंत्र राष्ट्र जैसे जैसे आ रहे हैं, उनको स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारण करने की प्रेरणा गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिलती रहती है। गुटी दबाव से अलग रह के काम करने की जो प्रेरणा इन नए उभरते हुए राष्ट्रों को मिलती है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिलती है, और जब तक ये सब होता रहेगा तब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना रहेगा। इस रूप में तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता अनंत काल तक है, निरंतर है, सतत है। गुट निरपेक्षता का प्रमुख लक्षण है विदेश नीति की स्वतंत्रता। जब तक राष्ट्र हैं, राष्ट्रों की विदेश नीति है, और विदेश नीति को हर राष्ट्र स्वतंत्र रखना चाहता है। इस स्वतंत्र रखने की जो तमन्ना इन राष्ट्रों में है, उस तमन्ना को बरकरार रखने और उसको सच्चाई में बदलने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की बहुत सार्थक भूमिका रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलताओं का हमने विस्तार से जिक्र किया, उसकी प्रासंगिकता पर उठते हुए सवाल उसका भी हमने जवाब दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए के साथ सब कुछ अच्छा था। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हैं जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की असफलताओं के रूप में देख सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की असफलताएं, आंदोलन की असफलताओं की यदि बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख असफलता जिसका गुट निरपेक्षता के विरोध करने वाले लोग बार बार जिसके बारे में बात करते हैं, वो यह कि ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कोई नई दिशा नहीं दे सका। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन मात्र दो गुटों के प्रभाव से दूर रहने, दबाव से दूर रहने तक ही सीमित रहा, लेकिन अपने तय स्वयं में इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा नहीं दी, इस हद तक ये असफल है। दूसरा बिंदु, गुट निरपेक्षता से राष्ट्रीय सुरक्षा तो स्थापित नहीं हो सकती, ये बात साबित हुई 1962 के युद्ध से। 1962 के युद्ध के समय अनेक गुट निरपेक्ष देशों की भारत के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। अनेक पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत की त्वरित सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि वे लोग इस आंदोलन के सदस्य नहीं थे। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि चीन से जब हमला होता है भारत पर, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच के बहुत से देश अपनी आवाज़ चीन के खिलाफ मुखर नहीं करते, और उस हद तक
गुट निरपेक्ष आंदोलन की एकता मात्र एक दिखावा है, ऐसा स्पष्ट हो जाता। दूसरी ओर ऐसे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य नहीं थे, ऐसे कुछ पश्चिमी देश भारत के पक्ष में सामने आते हैं भारत की सहायता के लिए, भारत की मदद के लिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे लेकिन उन्होंने भारत का समर्थन किया। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि गुट निरपेक्षता से ही राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इसका कोई संस्थागत ढांचा नहीं है, कोई स्थायी इसका कार्यालय, स्थायी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। इस आंदोलन को एक तरीके से सुसंगठित रूप नहीं दिया जा सका, एक ऑर्गेनाइज्ड इसका सिस्टम तैयार नहीं हो सका, ये आलोचना का तीसरा कारण है। चौथा, जैसा मैंने पहले बताया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना बारंबार इस बात को लेकर होती है कि ये उन देशों का गुट है जो अवसरवादी हैं, अवसरवादिता को ये प्रोत्साहित करती है, अर्थात जब जिससे हमको अपना हित साधना हो हम उधर चले जाएं, जो उचित नहीं है। तो कुछ आलोचकों द्वारा इस आंदोलन को अवसरवादी नीति का आंदोलन कहा जाता रहा है। पांचवा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे देश जुड़े हैं जो कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन सिद्धांतों का मैंने पूर्व में जिक्र किया हुआ है, जैसे किसी सैनिक गुट में शामिल ना होना, जैसे किसी सैनिक अड्डे की अनुमति न दिया जाना, आदि आदि। लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा हुआ है जब गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देशों के बीच में ही हितों को लेकर टकराव है, खटास है, कड़ुआहट है, तो उस हद तक ये आंदोलन एक संगठित आंदोलन नहीं दिख पाता। अगली आलोचना का बिंदु कि ये जो आंदोलन है इसका आधार नैतिक है, मात्र नैतिक, व्यावहारिकता पे ये पुख्ता नहीं है। व्यावहारिकता की बात करें तो ये गैर व्यावहारिक है, अव्यावहारिक है। जो भी इस तरह के आंदोलन नैतिक आधार पे होते हैं वे स्थायी नहीं होते, उसका कोई व्यावहारिक आधार, व्यावहारिक पहलू होना जरूरी हो, तो उस हद तक ये आंदोलन सफल नहीं रहा है जहां केवल नैतिकता की बात की जाती हो। असफलता का अगला उदाहरण कि बहुत सारे गुट निरपेक्ष देश जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, ऐसा देखा गया है, परोक्ष रूप से वे महाशक्तियों से सैन्य सहायता ले रहे हैं, परोक्ष रूप से वे इन महाशक्तियों से आर्थिक सहायता ले रहे हैं और साथ ही तकनीकी सहायता ले रहे हैं। जहाँ तक सहायता लेने की बात है इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं, लेकिन वो किसी खास खेमे से जुड़ के ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो सोवियत संघ का खेमा हो, चाहे वो अमेरिकी खेमा हो। और सैनिक सहायता किसी ऐसे राष्ट्रों से लेना गुट निरपेक्षता की भावना को प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। असफलता के लिए अगला बिंदु जो आलोचकों के द्वारा दिया जाता है वो ये है कि इसमें कई ऐसे राष्ट्र जुड़ गए हैं इस आंदोलन में जिनका गुट निरपेक्षता की भावना से कुछ लेना देना नहीं, जिनका गुट निरपेक्षता की के आदर्श पे कतई विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें आ गए हैं।
मात्र सदस्य संख्या अपनी दर्ज कराने के लिए विश्वास नहीं है, नैतिक रूप से वे उसके लिए प्रेरित नहीं है, नैतिक रूप से वे उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे राष्ट्रों का जुड़ना इस बात को साबित करता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन असफल रहा है, अपने उद्देश्यों में असफल रहा है। वास्तव में गुट निरपेक्षता को जैसा प्रारंभ में प्रतिपादित किया गया है उसका कई सदस्य देश पालन नहीं करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। ये साबित करता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन उस हद तक असफल रहा है। गुट निरपेक्षता क्या है, उसके उद्देश्य क्या थे, उसको विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बनाए जाने के कारण क्या थे, और किस हद तक गुट निरपेक्षता नीति का पालन करते हुए हम अपनी विदेश नीति में सफल हुए या असफल हुए, इसमें आलोचकों के भी बयान हमने समझने की कोशिश की और ये देखा कि कुछ लोगों का जहाँ तर्क है कि गुट निरपेक्षता ने भारत को एक सफल राष्ट्र के रूप में विश्व राजनीति में खड़ा किया है, वहीं कुछ लोगों के कुछ अन्य विचार थे और उनका कहना था कि गुट निरपेक्षता संभवतः तटस्थता की नीति है। खैर, कुल मिलाकर भारत के पहले 60-70 वर्ष के काल में स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्षता हमारी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग रही और आज भी वो जारी है। तो आने वाले समय में गुट निरपेक्षता का कैसा भविष्य हम देखते हैं, किस हद तक इसके जारी रहने की संभावना है, इस पर भी विद्वानों का कुछ मत है। जैसा मैंने बताया, कुछ विद्वान इसे दिशाहीन आंदोलन मानते हैं, कुछ इसे प्रासंगिकता की बात कहते हुए उचित मानते हैं और उनका मानना है कि ये आगे भी जारी रहेगा। देखा जाए तो गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता है, आज भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूर्व के काल में था। शीत युद्ध समाप्त तो हो गया है पर पूर्ण रूपेण नहीं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। जैसे उपनिवेशवाद ने नए उपनिवेशवाद को, नव उपनिवेशवाद को जन्म दिया, उसी प्रकार हम देखेंगे कि शीत युद्ध समाप्त तो हुआ, विश्व एक ध्रुवी हुआ, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध की बात करें, तो हम समझ सकते हैं कि कहने को विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अब अपने दूसरे रूप में वो सामने आ रहा है। आज भी सोवियत संघ का खेमा तो नहीं रहा, लेकिन रूस का एक खेमा या रूस एक महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है। और रूस की जिस तरीके से यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, रूस ने जिस तरह क्रीमिया और कुछ अन्य क्षेत्रों पर, जॉर्जिया और अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की है, उसको लेकर अमेरिका हमेशा सख्त कदम उठाते रहा है। और उसके अलावा भी, इस घटनाक्रम के अलावा भी 1990 के बाद के घटनाक्रमों का, जिसका मैंने पूर्व में अलग अलग अध्याय में जिक्र किया है, जिसमें मिडिल ईस्ट का क्षेत्र मूल रूप से शामिल है, मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र जिसमें शामिल है, जिस कहाँ पर तेल को लेकर कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इसराइल का क्षेत्र जिसमें शामिल है, उससे ये बात साफ है कि रूस और अमेरिका हमेशा एक दूसरे के विरोधी खेमे में रहेंगे और तकरार सतत बनी रहेगी, और ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्षता प्रासंगिक हो सकता है, प्रासंगिक है। दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में गुटबाजी बढ़ रही है। यदि आप सतत रूप से रूस यूक्रेन के युद्ध से अपने को वाकिफ कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये कुछ नहीं है बल्कि गुटबाजी है। कौन किस गुट का पक्ष लेगा, इसको लेकर विश्व राजनीति बहुत गहमा गई है। भारत का भी पक्ष
अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और रूस दोनों जानने को उत्सुक हैं और भारत ने कुछ इस तरह का अपना स्टैंड लिया है इस मामले में जिसे हम गुटनिरपेक्षता का ही एक प्रमाण कह सकते हैं। इसलिए गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है। आज क्षेत्रीय गुटबाजी, उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। तीसरे दुनिया के देश जिसमें नवोदित राष्ट्र शामिल हैं, अफ्रीका और एशिया के अधिकतर राष्ट्र शामिल हैं, उनके लिए आंदोलन आज भी बहुत महत्व रखता है। निर्गुट आंदोलन के रूप में पिछड़े और विकसित देशों की चेतना को जगाने में, उनकी चेतना को आंदोलित करने में इसने बहुत भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्षता ने उन्हें यह आज़ादी दी है कि वे स्वतंत्र रहते हुए, अपने विचार स्वतंत्र रखते हुए विकसित होते रहें, और यही आज की ज़रूरत है, खासकर तीसरी दुनिया के देशों को। पहली दुनिया अमेरिका का खेमा कहलाता था, फर्स्ट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया सोवियत संघ का खेमा कहलाता था, और तीसरा जो खेमा था जिसमें अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश शामिल थे, निर्धन राष्ट्र शामिल थे, अविकसित राष्ट्र शामिल थे, वह तीसरी दुनिया कहलाता था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता, प्रासंगिकता सतत रूप से बनी रहेगी, अनंत काल तक बनी रहेगी, और इसी के तो कारण इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसा मैंने पूर्व में बताया, वर्तमान में 120 सदस्य इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, 120 सदस्य राष्ट्र, और कुछ देशों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर रखा है। और आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि रूस भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए उत्सुक है और उसमें आवेदकों में शामिल है। इस प्रकार अब गुटनिरपेक्षता, भारत की विदेश नीति आदि को समझने के बाद अब हम कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर आते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जिनका विदेश नीति से ताल्लुकात है, अर्थात भारत के संबंध कुछ देशों से कैसे रहे। वैसे तो हमने भारत के संबंधों के बारे में, पड़ोसी देशों से संबंध के बारे में समकालीन दक्षिण एशिया के इतिहास में पढ़ा, उसके अलावा अन्य अध्यायों में भी हम लगातार इसका अध्ययन करते रहे हैं, पर यहाँ पर विदेश नीति के मद्दे